गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि सेंटर के बोर्ड सेंटर के बारे में आपको खैर बताना था, और ये पुरानी लिस्ट आप काली में कई दिन से है, लेकिन ये सेंटर चूँकि कोरोना की वजह से छात्रों को कई जगह बांटा गया है, तो इसमें एक सेंटर आपका RNI इंटर कॉलेज, मतलब ये स्वर्गीय राम नगीना इंटर कॉलेज है, ये अलीपुर मदरा जखनिया में झुन्ना सिंह जी का कॉलेज है ये प्राइवेट। और दूसरा है एक डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज जो सावीर अली का वहाँ जखनिया में ITI चलता है, तो उनका एक ये कॉलेज है। तो इन्हीं दो कॉलेजों का पर सेंट जो है आप लोग का वितरण है। अब इसमें जब एडमिट कार्ड आपके पास आएगा तो एडमिट कार्ड पे उस पर सेंटर का आपका नाम भी लिखा रहेगा। तो ये आप कॉलेज में एक हफ्ता पहले आके आराम से उसको लेके और समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका सेंटर मेन में कहाँ है, क्योंकि शायद बटा हुआ है इसमें, ऐसा कल कॉलेज में ऑफिस में चर्चा हो रही थी। तो आप ये मान के चलें कि ये और जो मनिहारी वाली आप बात कर रहे हैं, वहाँ हाई स्कूल और का सेंटर है, मनिहारी आपका सेंटर नहीं है, उसे ये जखनिया में है ये दोनों सेंटर आपका। और आप कॉलेज से अपना एडमिट कार्ड ले लेंगे, निःशुल्क मिलता भी है हमारे कॉलेज में और बहुत दिन से ही मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ आपको कोई एडमिट कार्ड पर कोई आपको शुल्क देना है लेना है, तो फ्री का है, तो इसको आप प्राप्त कर लीजिएगा। उसमें आपको सेंटर भी क्लियर हो जाएगा क्या है, कहाँ, मतलब किस जगह पे है, और सारे सब्जेक्ट भी उस पर लिखे रहेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी 11 के बच्चे अपना क्लास में ही हैं, और धीरे धीरे हम लोग उनका भी होम एग्जामिनेशन होली के जस्ट बाद जो है कक्षा 11 के लिए मैं कह रहा हूँ कि कक्षा 11 का होली के जस्ट बाद आपका मतलब होम एग्जामिनेशन की तैयारी कॉलेज में प्रिंसिपल साहब कल बातचीत में हो रही थी। तो आप लोग भी अपनी तैयारी करिए, थोड़ा वीडियोस वगैरह देख लीजिए, इसमें तो कोई लाइक सब्सक्राइब वाला चक्कर है भी नहीं, आपके फ़ायदे के लिए है, और अच्छा मिल जाए तो आप उसको भी, कोई वीडियो मिल जाए तो उसको भी देख लीजिए, और इस तरह से क्लास और वीडियो मिला के दोनों हम लोग अच्छा चलेंगे। और मैं 11 के लड़कों को, सॉरी 12 के लड़कों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ अपनी तरफ से, और पूरी कोशिश करिए कि इस बार 76 से ऊपर आए, आपका प्रैक्टिकल आपका सही गया है, और बस 6 नंबर थ्योरी सही मारी लिखिए जैसा मैंने समझाया भी आपको वीडियो में और ओरल भी क्लास में भी, तो उसी तरह से आप चलेंगे, तो 12 के लड़के नहीं, कोई नहीं फेल होगा, और नकल की भी कोई आपको आवश्यकता है भी नहीं, आज तक नहीं रही तो अब क्या रहेगी। तो और सेकेंड 11 के बच्चे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जस्ट होली के बाद आपका होम एग्जामिनेशन आ जाए, शुरू होगा, मैसेज आपको मिल जाएगा। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।